अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने लगी हूँ वेज थाली, और क्योंकि समर सीज़न चल रहा है तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ आमरस। उसके लिए मैं आम के पल्प को सेपरेट करूँगी और फिर उसे ब्लेंडिंग जार में डाल दूँगी। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क और थोड़ी सी शुगर। मिल्क और शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ आइस क्यूब्स, और उसके बाद हम इसे ब्लेंड कर लेंगे। और ये हमारा रेडी हो गया है आमरस। उसे मैं निकाल रही हूँ सर्विंग डिश में और इसे हम फ्रिज में रख देंगे, तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर इसे सर्व करेंगे। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ दाल फ्राई। तो मैंने यहाँ पे दो दालें लिए हैं, एक है तुअर की दाल और दूसरी है मसूर की दाल। इसे मैं थोड़े से पानी में यहाँ पे भिगो के रखूँगी आधा घंटे के लिए। बहुत ही मज़े की बनती है ये दाल, आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करें। और हमारे घर पे तो ये दाल सबको बहुत पसंद है। तो यहाँ पर मैंने दाल को अच्छी तरीके से वॉश कर लिया है और इसे अब हम प्रेशर देंगे। तो मैं इसे दो सीटी आने तक प्रेशर दूंगी। तो इसमें मैंने अभी ऐड किया है नमक, उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ मसाला, क्योंकि मैं बना रही हूँ यहाँ पे मसाला बैंगन। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लहसुन लिया है और 1 से 1.5 इंच अदरक का टुकड़ा, और यहाँ पे मैंने कोकोनट लिया है ग्रेटेड, जिसे मैंने हल्का हल्का भून लिया है। तो ये देखिए, मैंने इसका दरदरा सा पेस्ट बना लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर और आधा आधा चम्मच जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला। और यहाँ पर मैं धनिया जो है उसे बारीक चॉप करके उसमें ऐड कर रही हूँ। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी तकरीबन 1 चम्मच के करीब ऑयल, और इसे हम अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। नेक्स्ट इसमें मैं ऐड करूँगी नमक और हल्दी पाउडर। दूसरी तरफ मैंने पानी को भी उबलने के लिए रख दिया है, क्योंकि जो हम मसाला बैंगन बनाएंगे हम उसे स्टीम करेंगे, और बड़े ही मज़े का बैंगन बना था ये। तो इसे भी आप ज़रूर ट्राई करें घर पे। बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है बट बहुत ही मज़े की है। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने बैंगन के कट लगा लिए हैं, और अब मैं इसमें मसाला जो है उसको फिल करूँगी। तो आपने कोशिश करनी है कि आप जितना ज़्यादा मसाला इसके अंदर फिल कर सकते हैं आपने उतना इसके अंदर फिल करना है। तो यहाँ पर पानी को बॉईल आ गया है, तो इसके ऊपर मैंने छलनी रख दी है और उसे ऑयल से हल्का हल्का ग्रीस कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर ये भरे हुए मसाला बैंगन रख दूंगी। इसे हम कवर करेंगे 20 मिनट के लिए, ताकि बैंगन अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर देखिए, दाल जो है अच्छी तरीके से गल गई है। तो अब हम इसके तड़के की तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैंने 1 मीडियम साइज की प्याज ली है, और 1 मीडियम साइज का टमाटर, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 से 6 लहसुन की कलियां ली हैं, और हरा धनिया लिया है। इसे हम बारीक बारीक चॉप करेंगे। यहाँ पर आप जिंजर एंड जो गार्लिक है उसकी पेस्ट ऐड कर सकते हैं, बट वो वाला टेस्ट नहीं आएगा जो हम चॉप करके डालेंगे। तो आप कोशिश करें कि आपने लहसुन और अदरक जो है उसे चॉप करके ही आपने ऐड करना है।
तो यहाँ पर देखिए बैंगन जो है वो हमारे अच्छी तरीके से गल गए हैं, तो अब हम इसे साइड में रख देंगे। और यहाँ पर मैं दाल के लिए तड़का बना रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे ऑयल लिया है 2 से 3 बड़े चम्मच, उसके अंदर मैंने 1.5 चम्मच यहाँ पे ज़ीरा डाल दिया है, और जो हमने चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक है वो भी ऐड कर दिया है। इसे हम 1 से 1.5 मिनट के लिए अच्छी तरीके से सौते करेंगे और फिर ऐड करेंगे इसमें प्याज। प्याज को हम अच्छी तरीके से भून लेंगे, जब प्याज का कलर चेंज हो जाएगा तब उसमें हम ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर को हम अच्छी तरीके से गला लेंगे यहाँ पे। जब टमाटर अच्छी तरीके से गल जाएंगे तब हम इसमें ऐड करेंगे मसाले। तो यहाँ पर मैंने 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड किया है, और 1 चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर, और 1/2 चम्मच ऐड कर रही हूँ गरम मसाला और हल्दी पाउडर। मसाला ऐड करने के बाद इसे हम अच्छी तरीके से भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि मसाले अच्छी तरीके से भून जाए और जले नहीं। तो यहाँ पर आपने थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके पहले मसाले को अच्छी तरीके से पकाना है, उनकी जो रॉ स्मेल है वो अच्छी तरीके से निकल जाए। उसके बाद हम ऐड करेंगे पकी हुई दाल। और इसे भी हम 5 से 6 मिनट तक अच्छी तरीके से पकाएंगे। और लास्ट में ऐड करेंगे हम इसमें धनिया। और ये हमारी दाल फ्राई बिल्कुल रेडी है। इसकी कंसिस्टेंसी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट मैं बना रही हूँ क्रिस्पी मसाला भिंडी। तो यहाँ पर मैं पहले भिंडी को चॉप कर रही हूँ। तो पहले मैंने उसके जो डंडिया होती है वो निकाल दी है, और फिर उसे बीच में से सिर्फ कट कर लिया है। बहुत ही क्विक एंड इजी रेसिपी है और बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी है, इसे आप ज़रूर ट्राई करें घर पे। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे नमक, हल्दी पाउडर, और 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, ज़ीरा पाउडर और गरम मसाला, और टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, और मैंने फिर 1/2 चम्मच जो है चाट मसाला ऐड किया है, और फिर 1 बड़ा चम्मच यहाँ पे बेसन ऐड किया है। अगर आप ज़्यादा क्रिस्पी पसंद करते हैं तो आपने यहाँ पे 1 छोटा चम्मच कॉर्नफ्लावर का भी ऐड करना है। उसके बाद मैंने पैन लिया है और उसमें ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल जब गर्म हो जाएगा तब हम उसमें ये भिंडी के पीसेस ऐड करेंगे और इसे अच्छे से क्रिस्पी होने तक फ्राई करेंगे। और ये देखिए ये बिल्कुल अच्छी तरीके से क्रिस्पी हो गई है, तो अब हम इसे ऑयल में से निकाल लेंगे। और ये हमारी क्रिस्पी भिंडी बिल्कुल रेडी है। और यहाँ पर हम मसाला बैंगन को हल्के से ऑयल में फ्राई कर लेंगे। और अब बारी है प्लेटिंग की। इस समर स्पेशल थाली में क्विक एंड इजी रेसिपीज़ है, और आप इसे घर पर ज़रूर ट्राई करें। और रेसिपीज़ अच्छी लगी है, वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वेज थाली आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।